पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुजार उसने मुझे एक और सेहत और जिंदगी वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद और सलाम बजाए खल्क कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आज का ये मैसेज जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट इस हवाले से है और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है बीइंग ए डॉक्टर और फाउंटेन हाउस जैसी अजीम जगह पर काम करने की वजह से मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो हालात आजकल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं और खासतौर पर जो हालात हमारे अपने मुल्क के हैं अपने शहर के हैं, इन हालात के तहत कुछ इश्यूज जो है वो हमारी जिंदगी में ज्यादा बढ़ गए हैं जिसमें खासतौर पर काफी मुश्किल किस्म के डिसीजन हमें जिंदगी में लेने पड़ रहे हैं। जैसे हमें घरों में रुकने के लिए कहा जा रहा है, हमें जो है वो एहतियात करने के लिए कहा जा रहा है, हमें बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है जो हमारी आदतें नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जिसके बारे में अभी तक पूरी दुनिया को सही तरीके से पता ही नहीं है। कुछ चीजें जो बहुत क्लियर नजर आई है कि ये एहतियात करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है, यही हमारी गुजर है। अच्छा, बीइंग ए मुसलमान हम हमारी बिलीव है इस बात पे कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि वो चीजें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400-1500 साल पहले हमें गाइड की थी कि सफाई नफ्स ईमान, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बात शुरू हो गई है कि हमें सफाई का ख्याल रखना है और जो एहतियात करनी है। और ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी इस हवाले से भी मिल रही है कि हमें घर में रहने का मौका मिला है, अपने रिश्तेदारों तो जिनको हमने बहुत सालों से सही से टाइम नहीं दिया था उनको टाइम देने का मौका मिल गया है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का मौका मिल गया है। तो ये मैं समझता हूँ कुछ चीजें जो है ना वो पॉजिटिव होगी। फिर आपके पास अगर आप ये समझते हैं कि इतना टाइम है कि आप अपनी फैमिली के अलावा और लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया है तो ये बहुत अच्छा मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया। आप दूसरे ऐसे लोग जो अपनी चारों तरफ रहते हैं उनका ख्याल करना शुरू कर दें। मैं तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जो इस वक्त है वो बहुत जरूरी है, जो डॉक्टर्स जिस तरह आपको गाइड कर रहे हैं कि आप कम से कम बाहर निकले, अपने हाथों को बार बार धोए और सैनिटाइजर्स वगैरह में जो इस्तेमाल है उसको करें और जो डिस्टेंसिंग है दूर रह के बात करें, क्योंकि ये कोरोना का जो चेन है ये एक इंसान से दूसरे इंसान जो है वो लगती है। तो अगर आप ये चेन को ब्रेक कर देंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, वैसे भी अल्लाह का बहुत एहसान है कि पाकिस्तान पे अभी तक बहुत कम असर पड़ा है, लेकिन ये सब कुछ एहतियात पर डिपेंड करता है। इसको आसान न लें और एहतियात करें क्योंकि आप खुद जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट, आप अगर ठीक रहेंगे तो आपकी फैमिली में लोग बच्चे वगैरह ठीक रहेंगे, बुजुर्ग ठीक रहेंगे, आप इम्पोर्टेंट है, आप एहतियात करेंगे, आपको देख के बच्चे वगैरह एहतियात करेंगे, आपकी फैमिली एहतियात करेंगे तो ये मसले इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहता हूँ, आपको बताया कि फाउंटेन हाउस एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे पिछले 50 साल से साइकेट्री के अमराज मुबतला लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट की जाती है। ये वो लोग हैं जो ज्यादातर जो कम्युनिटी के माशरे की सपोर्ट से चलते हैं और माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम और एक मुसलमान कौम की बड़ी तगड़ी कौम है, हेल्प करने के लिए, ख्याल करने के लिए हमेशा से आप 50 साल से हमारी मदद कर रहे हैं। इस वक्त नेचुरली क्योंकि पूरी कौम जो है हमारी कस्बे में फंसी हुई है तो हमें इस थोड़ी ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे मरीजों की सपोर्ट की जरूरत है कि जिनके घर वाले जिनके बहन भाई आम दिनों में इनको यहाँ छोड़ के चले गए, जिनके बच्चे हैं अपने वाले इनको आम दिनों में छोड़ के चले गए और पिछले 40 साल से 30 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उस वक्त आप इनका ख्याल करते थे, इस वक्त इनको आपकी ज्यादा सपोर्ट। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़कात में सबके में अपनी सपोर्ट में फाउंटेन हाउस को हुकूमत जैसे इदारे को ज्यादा याद रखें। बहुत शुक्रिया। ये मालूमाती पैगाम मफाद आमा के लिए आदम जी फार्मा सर्विसेज की जानिब से पेश किया गया है।